नया साल ऑलरेडी आ चुका है 2022। मैं सोच रही थी कि इस साल की शुरुआत कैसे की जाए, तो ख्याल आया क्यों ना इस साल को रीसेट किया जाए न्यू ईयर न्यू मी के तरीके से। हमें काम करना पड़ेगा दो डिफरेंट हिस्सों में। सो पहला होने वाला है माइंड एंड बॉडी, दूसरा होने वाला है स्पेस। वो आपका लिविंग स्पेस हो या वर्क प्लेस हो या डिजिटल स्पेस हो, उसी में सारे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद हम बनाएंगे गोल्स। So, इन दोनों हिस्सों में हम क्या करेंगे, दोनों हिस्सों को हम एक पेपर पे लिख लेंगे। बेसिकली हमें सबसे पहले क्लीन करना है, वो बेशक हमारा बॉडी हो, माइंड हो, लिविंग स्पेस हो, डिजिटल हो या फिर वर्क प्लेस। सो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उन सारी चीज़ों को हटा देंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्लीन में ही हम कवर करेंगे डीक्लटर को। अगर आप मेरे व्लॉग्स को पहले से देखते हैं तो मैंने मेजर 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 डीक्लटर किया है मेरे घर को नवंबर एंड दिसंबर में। सो इस पक्ष में मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइंड को क्लीन करेंगे, उसके लिए आप करें जर्नलिंग, लाइक माइंड डंप। जो भी विचार आपके दिमाग में आते हैं, अच्छे बुरे, उन सब को लिख लें। लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें, जब तक आपको लगेगा नहीं कि आपका दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है आलतू फालतू विचारों से, तब तक लिखें। जर्नलिंग आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि वैसे ही हमारा दिमाग भरा रहता है चीज़ों के साथ, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर ये चीज़ें हम पेपर पे लिख लेंगे तो दिमाग बहुत ही फ्रेश फील करेगा, जैसे कि हमारा घर फील करता है सफाई के बाद। सो इसी तरह शरीर की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप एक सेल्फ केयर की ब्रेक ले सकते हैं। मुझे सेल्फ मसाज करना अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास मसाज करने के लिए कोई बंदा नहीं है। सम डेज मेरे पति हेल्प कर देते हैं मसाज करने के लिए, पर मसाज से आप बहुत रिफ्रेश फील करते हैं। सो हम हमारे बालों की मसाज करेंगे, आर्म्स की मसाज करेंगे, जोड़ों की मसाज करेंगे। मुझे सीजनल एलर्जीज़ हैं जिसकी वजह से मेरे नोज़ वाला एरिया बहुत ही बुरी तरह कंजस्ट हो जाता है, और जब मैं मेरे फेस की मसाज करती हूँ ना तो वो बहुत मुझे रिलीफ मिलता है। ऐसे लगता है कि मैं बहुत आसानी से ब्रीद कर सकती हूँ। मैं किस तरीके से अपने चेहरे की मसाज करती हूँ एंड नोज़ एंड ईयर एरिया की करती हूँ, मैं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो में शेयर करूँगी। आप अपनी स्किन केयर का ध्यान दें, अपने चेहरे का, अपनी बॉडी का, जो भी आप कर सकते हैं अपनी इनर बॉडी के लिए और आउटर बॉडी के लिए, वो आप कर सकते हैं। सो ये है मेरा नया 2022 का प्लानर। ये बहुत ही प्यारा प्लानर है, इसको मैंने इंडिगो से लिया है, और इसमें हर महीने की शुरुआत में आप मंथ की कोट लिख सकते हैं, अपना गोल लिख सकते हैं, अपना स्किन केयर गोल लिख सकते हैं, ब्यूटी गोल। बहुत ही प्यारा सा ये जर्नल है, इसे प्लानर है ये। इसे फिल करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड वहीं से मैंने ये प्यारी सी एक डायरी जर्नलिंग के लिए ली है, और इस पर मैं जर्नलिंग करूँगी खूब सारी। जब हमने घर की सफाई कर ली है, अपनी सफाई कर ली है और अपने दिमाग की सफाई कर ली है, अब बारी आती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की। अपने घर को उस तरीके से तरतीब में रखें जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करें। मैंने देखा है कि जब आपका घर, आपका वर्क प्लेस साफ होता है ना, तो आप ज़्यादा काम करते हैं और आपका मन भी लगता है काम करने के लिए। ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने कर लिया है सब कुछ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, अब आपका दिमाग अच्छी तरह फ्रेश एंड खाली है, उसको आप भर सकते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। किताबें पढ़ना इस समय पे सबसे बेस्ट है, जो भी आपको मोटिवेट करता है या जिस भी किताब की आपको ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि मैं किताबें कहाँ से खरीदती हूँ। मैं ज़्यादातर किताबें खरीदती हूँ अमेज़ॉन से, इंडिगो से, या फिर मैं लाइब्रेरी से किताबें लेती हूँ, पढ़ती हूँ, वापस कर देती हूँ। अगर आपके पास आसपास लाइब्रेरी है तो उसका मज़ा ज़रूर से उठाएं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है लाइब्रेरी की बुक्स में से। आजकल मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रही हूँ मेरी डिज़ीज़ को लेके, और उसके मैं नोट्स भी बनाती रहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन मैं लेटर भी यूज़ कर पाऊँ और आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर पाऊँ। आपको जो भी टॉपिक इंटरेस्ट करता है उसको पढ़ें, जो भी मोटिवेट करता है या जिस भी टॉपिक की आपको ज़रूरत है उसकी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में भर लें। This is a story about me and you. इस साल मैं चाहती हूँ कि मेरा जो साल है अच्छा जाए, स्पेशली मेरी सेहत को बेहतर करना चाहती हूँ मैं। बहुत सारा काम करना चाहती हूँ, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, एंड मेडिटेशन मुझे बहुत पावर देता है, मदद करता है फोकस रहने के लिए और प्रोडक्टिव होने के लिए। अपनी खूबसूरती पे भी ध्यान दें दोस्तों। जब आप अच्छा दिखते हैं, आप अच्छा फील करते हैं, अपने बालों को सजाएं, थोड़ा मेकअप करें, अपने नेल्स की ग्रूमिंग करें, एंड आजकल मुझे हर्बल टीज़ बहुत अच्छी लग रही है मेरी बॉडी के लिए। मैं बहुत बहुत सारी हर्बल टीज़ का मज़ा ले रही हूँ। हर्बल टीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं उसके। आपका जो भी कंसर्न है वो वाली इंग्रेडिएंट्स को ख़रीदें और अपनी टी बनाएं और पी लें। अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो आप घर में बनी हुई, घर में हमारे जो इंडियन हर्ब्स होती हैं उसको उबाल के आप अपनी टी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हर्बल टी आपकी सेहत के लिए। और अपने गोल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड में आप जो भी चाहते हैं उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं विजुलाइज़ करने के लिए, ताकि आपको लगे कि वो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं और फिर आप उसे आसानी से अपने ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और
जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं तो अपने दिमाग में डाउट नहीं रखना है और दिल में डाउट नहीं रखना है। जब आप बहुत ही शिद्दत के साथ किसी चीज़ को चाहते हैं ना, तो वो आपको मिल भी जाती है। सो इसी तरह आपने अपना विजन बोर्ड बनाना है 2022 के लिए। हैप्पी न्यू ईयर प्यारे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है सिमार एंड इस चैनल पे मैं हर किस्म की वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी डेली लाइफ का रूटीन, एवरीडे व्लॉग्स, ब्यूटी, मेकअप, रेसिपीज, बहुत सारा कुछ है मेरे चैनल पे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को मिस नहीं करें। सो उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो आया है साल बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा एंड आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी और जो भी आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए हैं सारे आप अच्छी तरह उस पर काम करेंगे। प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना कि क्या क्या रेजोल्यूशंस हैं आपके। मुझे मज़ा आएगा पढ़ के कि आपने क्या सोचा है कि आप क्या क्या करेंगे। सो जो भी आज मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं न्यू ईयर के रीसेट के लिए, इसको करने के बाद आप फील करेंगे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, मोटिवेटेड एंड प्रोडक्टिव एंड उसके बाद आप तैयार हैं जो कुछ भी करने के लिए। एंड यस, मेरे साथ अपने रेजोल्यूशन ज़रूर से शेयर करना और मैं आपके साथ अपने शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैंने कुछ बहुत ही ओवर ड्रामेटिक नहीं किया कि मैं ऐसे कर लूँगी या ऐसे कर लूँगी। सो मेरे रेजोल्यूशन होने वाले हैं कि मैं मेडिटेट करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फोकस होने के लिए, ग्राउंडेड रहने के लिए एंड ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए। आप मेडिटेशन को यही मत सोचें कि वो स्पिरिचुअलिटी के लिए है या रिलीजियस है, वो आपके दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए भी बहुत अच्छा है। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करूँ एंड योगा करना चाहती हूँ मैं एवरी डे एंड इसे एक रूटीन बनाना चाहती हूँ, ये होने वाला है मेरा एक। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहती हूँ मैं, किताबें पढ़ के बहुत मज़ा आता है मुझे और किताबों से जो नॉलेज मिलती है वो बाहर आलतू फालतू चीज़ों में नहीं मिलती है, क्योंकि एक किताब लिखने के लिए किसी बंदे ने पूरी ज़िंदगी लगाई होती है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का सफ़र एक किताब में लिख दिया है। अगर आप पढ़ के उससे कुछ सीख पाएंगे तो कितना मज़ेदार है। सो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहती हूँ मैं और मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी पढ़ें। और मैं ज़्यादा वीडियो शूट करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं खुश रहती हूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कॉन्टेंट शूट करना चाहूँगी मैं इस साल। और मैं जर्नलिंग करना चाहती हूँ एवरी डे, मैं लिखती रहती हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है, मैं कुछ ना कुछ हमेशा लिखती रहती हूँ पर एवरी डे नहीं लिखती हूँ। अब मैं पास्ट में एवरी डे लिखा करती थी और मुझे पता है कि कितना मज़ा आता है वो पुरानी चीज़ों को पढ़ने का। सो मैं एवरी डे जर्नलिंग करना चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि करूँ एंड आज मैंने आज के हिस्से का लिख लिया है ऑलरेडी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करना चाहती हूँ, पिक्चर्स क्लिक करने के लिए मैं इतना ज़्यादा वर्स्ट बंदा हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैं जिसमें मैं पिक्चर्स शेयर कर सकती हूँ, फिर भी मैं पिक्चर्स क्लिक नहीं करती हूँ। बहुत समय हो जाता है मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पिक्चर्स होती ही नहीं है अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं पिक्चर्स क्लिक ही नहीं करती हूँ। कहीं पर हम जाएंगे मैं पिक्चर नहीं क्लिक करूँगी, कोई स्पेशल ओकेजन में हो रहा है, कुछ खास है, तब भी मैं पिक्चर नहीं क्लिक करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है ये, पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करूँ, क्योंकि पिक्चर्स बहुत अच्छी मेमोरी है। आप पीछे मुड़ के देखें कितना मज़ा आता है, क्योंकि हर दिन आपकी शक्ल बदल रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है। सो अच्छा होगा कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स हों। एंड लास्ट में है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा प्यार करूँ। मैं अपने आप को प्यार करती हूँ पर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हूँ, लोगों के सामने नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो भी उसमें हिस्सा डालें, तेल डालें। अपने पति के सामने भी नहीं करती हूँ, पर अपने दिल में मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हूँ अपने आप को, अपनी हर चीज़ के लिए। मुझे लगता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है आपके लिए। वो इतना हार्म करता है ना अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, कि उसकी भरपाई काफ़ी समय लग जाता है उसको हील करने के लिए। सो अपने आप को प्यार करना चाहती हूँ मैं, आप भी अपने आप को प्यार करें। प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार करते हैं ना तभी आप प्यार दूसरों को भी दे सकते हैं। ये मेरे अंदर का वर्गो है जो कि बहुत ओवरली क्रिटिकल है। हम दूसरों में तो नुक्स निकालते ही हैं पर अपने आप में उससे भी ज़्यादा निकालते हैं। कई बार हमें दूसरों की चीज़ों को हम इग्नोर भी कर देते हैं, पर अपने आप को कैसे करेंगे। सो उस पर काम करूँगी मैं थोड़ा। सो यस, इसी तरह आज की वीडियो के साथ हम डन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें,
कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे अपलोड करूँ। मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय, आई लव यू।